बहुत पहले की बात है, अली बाबा नाम का एक कारपेंटर हुआ करता था। वो अपनी पत्नी के साथ गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। अली बाबा अपने गधे को लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था और उन्हीं लकड़ियों को बेच के घर चलाता था। एक दिन वो लकड़ियां काटने जंगल गया, तभी उसे आवाज सुनाई दी घोड़ों के एक टोली की और उसे घबराहट होने लगी। शायद ये चोर है, मैं छुप जाता हूं। गधे को झाड़ियों के पीछे छुपा के अली बाबा पेड़ पर चढ़ गया। वो टोली सीधे उस पेड़ के नीचे ही आके रुकी। अली बाबा ने गिनती की, वो 40 थे। उन लोगों ने कुछ भारी सामान अपने घोड़ों से उतारा। अली बाबा को समझ में आ गया कि वो चोर हैं। उनका सरदार एक बड़े चट्टान की तरफ गया और चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। तभी कुछ अजीब सा हुआ, वो बड़ा चट्टान हट गया एक गेट की तरफ और सामने थी एक गुफा। सभी चोर एक एक करके अंदर गए अपने भारी सामान के साथ। आखिरी चोर के जाते ही वो चट्टान फिर से अपनी जगह आ गया। अली बाबा को भरोसा नहीं हुआ, पर थोड़ी देर में वो चट्टान फिर हिला और चोर बाहर आए। सरदार बाहर आया और फिर से चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम। उस चट्टान ने फिर से रास्ता बंद कर दिया और वो थोड़ी ही देर में घोड़े पे सवार होके चले गए। अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा और सीधे चट्टान की तरफ गया। उसने वही शब्द कहे, खुल जा सिम सिम। वो चट्टान गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फिर से हटा। अली बाबा अंदर गया। अंदर जो था वो देख के उसका सिर फिर गया। सोने के सिक्के, हीरे, खजाने यूं ही बिखरे हुए थे। उसने चौंक के 3 झोले भर के सामान लिया और निकल गया। बाहर उसने फिर से वही शब्द बोले जो सरदार ने बोले थे, बंद हो जा सिम सिम। उसने सारा सामान अपने गधे पर रखा और घर चला। घर पहुंच के उसने अपनी पत्नी को वो सामान दिखाया। उसे भी समझ नहीं आया कि अली बाबा सब लाया कहां से, इतना सोना कहां से मिला। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई। वो सुन के बड़ी खुश हुई और सामान निकालने लगी। चलो गिनते हैं हमारे पास कितने सिक्के हैं। नहीं, एक गड्ढा खोदकर उसमें छुपा देते हैं। तो तुम दफनाने के लिए जगह बनाओ, मैं तुम्हारे भाई कासिम से नापने के लिए बर्तन लेके आती हूँ। अली बाबा का भाई कासिम बहुत अमीर था, पर लालची भी। वो कभी अली बाबा की मदद नहीं करता, इसलिए अली बाबा ने बोला, सिक्कों के बारे में किसी से कुछ मत कहना, किसी से भी नहीं। उसकी पत्नी कासिम से नापने का बर्तन मांगने पहुंची। कासिम को दाल में कुछ काला लगा तो उसने पूछा, तुम्हें क्यों चाहिए, क्या नापोगी उसमें। अली बाबा की पत्नी ने कुछ झूठ मूठ का बोल दिया। कासिम को उस पे भरोसा नहीं हुआ। उसने चुपके से बर्तन के नीचे शहद लगा के दे दिया। उसी बर्तन में सोने के सिक्के नापने लगे दोनों और फिर सारे सिक्के दफना दिए।
उसके बाद अलीबाबा की पत्नी कासिम को बर्तन लौटाने गई, पर उसने देखा ही नहीं कि बर्तन के नीचे सोने के सिक्के चिपक गए हैं। ये बहुत बड़ी गलती की उसने। कासिम को बर्तन मिलते ही उसने नीचे की तरफ देखा। सोने का सिक्का देख के वो हक्का बक्का रह गया। कहां से मिला होगा अली बाबा को वो सोना? कासिम की नींद उड़ गई। सुबह होते ही वो अली बाबा के घर गया और उसे बर्तन के नीचे लगा हुआ सिक्का दिखाया। अली बाबा, तुम सोना खरीद तो नहीं सकते, कहां से आया ये सोना बताओ मुझे। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई ताकि वो किसी और को इसके बारे में ना बताए। अगर तुम मुझे उस जगह नहीं ले चलते तो मैं चोरों को बता दूंगा तुमने क्या किया। पर कासिम, अली बाबा को मालूम था कि कासिम सच में बता देगा, इसलिए उसे उस जगह ले जाना ही पड़ा। वो गुफा इसी चट्टान के पीछे है, अब चलो यहाँ से, कहीं वो चोर फिर ना आ जाए। दोनों वापस घर लौट आए, पर कासिम का ध्यान वही गुफा में था। वो हाथों हाथ दो गधे लेकर गुफा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने वो शब्द दोहराए जो अली बाबा ने बोले थे, खुल जा सिमसिम। वो चट्टान हट गया और रास्ता खुल गया। कासिम को भरोसा नहीं हुआ, अंदर का नजारा उसे हक्का बक्का कर गया। इतना सोना देख के उसका दिमाग खराब हो गया। जल्दबाजी में उसने सोना भरा अपने झोलों में। जब जगह नहीं बची वो बाहर निकलने लगा, पर वो तो चट्टान से बंद पड़ा था और उसे खोलने के लिए जो शब्द बोलने थे वो उसे याद नहीं आ रहे थे, तो वो कुछ भी अनशंट बोलने लगा। जा टिम टिम, खुल जा कुम कुम, खुल जा जिम जिम। कितना भी बोला पर वो चट्टान टस से मस नहीं हुआ। घबराया हुआ उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इतनी देर में चोर गुफा पहुंच गए। उनको कासिम के गधे देख के शक हुआ और उन्होंने अपनी तलवार निकाली। खुल जा सिम सिम। रास्ता खुलते ही चोरों ने कासिम को पकड़ लिया और उसे सजा दी। तो ये चोर हमसे चोरी कर रहा था। देर रात होने पर कासिम घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी को चिंता हुई। उसने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा को भी कासिम की चिंता थी। वो गुफा पहुंचा तो उसे कासिम के गधे दिखे। तब उसे समझ आया कि कासिम को चोरों ने मार डाला है। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उन्होंने फैसला किया कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे। कुछ दिनों बाद अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम के घर रहने लगे। उन्होंने उसका काम काज संभाला और उसकी तरक्की की। वो अमीर होते गए। उसी समय चोरों के सरदार को समझ आया कि गुफा से सोना दिन पे दिन कम होता जा रहा है, तो उसने एक चोर को ध्यान रखने के लिए कहा, शहर में जाओ और देखो कि क्या कोई ऐसा है जो नया नया अमीर हुआ है और बहुत खर्चा करने लगा है। उस चोर की नजर पड़ी अली बाबा पर, जो सोने के सिक्के लेकर बाजार में घूम रहा था। उसने उसका पीछा किया। अली बाबा के घर में घुसते ही चोर ने दरवाजे पर निशान लगा दिया। शाम को कासिम की पत्नी जब घोड़ों को पानी देने गई, उसने वो निशान देखा। उसे समझ में आ गया कि कोई मुसीबत आने वाली है, तो उसने रंग लेके आसपास के सारे दरवाजों पर वैसा निशान बना दिया। सुबह होते ही 40 चोरों की टोली अली बाबा का घर ढूंढने आई। तब उन्हें सारे दरवाजों पर वो निशान दिखा।
हार के वो लौट गए। पर उनका सरदार जिद्दी था, उसने भेस बदल के उसे ढूंढना शुरू किया और चुपचाप वो पहुंचा अली बाबा के घर। दरवाजा खटखटाया तो अली बाबा ने खोला। मैं बहुत दूर से आया हूं, मैं तेल बेचने निकला था। सुनने में आया है कि आप यहां के सबसे अमीर इंसान हैं। तेल बहुत अच्छा है, खरीदेंगे? अली बाबा ने सरदार को तेल का व्यापारी समझ के रात को खाने पे आने के लिए कहा। तेल की 40 बर्निया लेके वो अली बाबा के घर पहुंचा। अली बाबा ने उसकी बहुत खातिरदारी की, रात को वहीं रुकने की सलाह देने पर सरदार ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। जब वो दोनों खाना खा रहे थे, कासिम की पत्नी तेल की बर्निया देखने गई। उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। हम निकले अभी? नहीं नहीं, थोड़ी देर और। तब उन्हें समझ आया कि तेल नहीं, इनमें तो चोर छुपे हैं। और उसे समझ आया कि ये लोग क्यों आए हैं। वो रसोई में गई और काफी तेल गरम किया और हर एक बर्नी में गरम तेल डाला। अंदर बैठे चोरों की हालत खराब हो गई और वो कुछ कर भी ना पाए। देर रात सबके सोने के बाद सरदार उनके पास आया। अब आ जाओ। उसे कोई हरकत नहीं दिखी तो उसने दोबारा बोला, सो गए क्या? उसने फिर बोला, पर कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने एक बर्नी खोल के देखा। उसे जो दिखा उससे उसका दिल बैठ गया। कहीं वो भी ना पकड़ा जाए, इस डर से वो भागा और कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह कासिम की पत्नी ने अली बाबा को ये हादसा बताया। अब वो बिना चोरों की चिंता किए पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे।